Hello students, welcome to AIM Chemistry. Today we will discuss about Wegener-Mirren rearrangement reaction. So first I will tell you something about rearrangement reactions. A rearrangement reaction is a broad class of organic reactions where the carbon skeleton of a molecule is rearranged to give structural isomer of the original molecule. Oftenly, a substituent moves from one atom to the other atom in the same molecule. Okay students, so here I am giving you the Wegener-Mirren rearrangement reaction. So what is it? It is an organic reaction used to convert an alcohol to an olefin using an acid catalyst. Understand? In this reaction mein kya hota hai, jo carbocation aapka intermediate form hota hai, उसमें रीअरेंजमेंट की वजह से जो कार्बन स्केलेटन है उसमें चेंज आ जाता है. ओके, एंड इन दिस टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट यहाँ पर कार्बोकेटाइन 1-2 रीअरेंजमेंट होता है. वी नो अबाउट द SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन. उनमें क्या होता है, जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो एक कार्बोकेटाइन होता है. सो इन रिएक्शंस को हम कार्बोकेटाइन 1-2 रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड इट with this carbon skeleton. Let's assume that we have this type of carbon skeleton. Okay, and after rearrangement this is converted into this type of carbon skeleton. So ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो ये कार्बन नंबर 1 है आपका और ये कार्बन नंबर 2 है, तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये यहाँ पर माइग्रेट हो जाता है कार्बन 1 से लेकर 2 तक. और यहाँ पर जो माइग्रेशन होता है तो आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है, जो शिफ्टिंग होती है एल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है. लेकिन ऐसा होता क्यों है, what is the cause behind it? So ये होता है स्टेबिलिटी की वजह से. We all know that primary carbocation is less stable than secondary carbocation and it is both less stable than tertiary carbocation. Okay, अपनी स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन होता है उसके पास टेंडेंसी होता है होती है कि वो टर्शरी में कन्वर्ट हो जाए. प्राइमरी कार्बोकेटायन के पास टेंडेंसी होती है कि वो सेकेंडरी या टर्शरी कार्बोकेटायन में चेंज हो जाए, और इस वजह से वो रीअरेंजमेंट कर लेते हैं. ओके, सो आप यहाँ पर इस एग्जांपल से समझ सकते हैं. देखिए यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल लिया है आपको समझाने के लिए. Let us assume that we have this type of molecule. Okay. And we all know that this is the SN1 type of reaction. यहाँ पर जो OH है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. तो आप देखिए जब ये यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो एज ए ब्रोमाइड आयन यहाँ से क्या करेगा, लीव करेगा. जब ये यहाँ से लीव करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो कुछ इस तरह की होगी. दिस इज अकॉर्डिंग टू SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन. वो कुछ इस तरह की होगी, लेकिन यहाँ पर ये प्रोडक्ट सही नहीं है. This formation will not occur here. So according to Wegener-Mirren rearrangement reaction, यहाँ पर जो product बनेगा वो बनेगा
कुछ इस तरह का बनेगा, ये देखिए आप। जब यहाँ पर ये ब्रोमीन एज ब्रोमाइड आयन यहाँ से लीव हो जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये यहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन जाएगा। सो जो न्यूक्लियोफाइल है वो टर्शियरी कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो इस तरह की होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इट्स मैकेनिज्म। सो यहाँ पर इसके मैकेनिज्म में क्या प्रोसीजर होता है आप देखिए। इसमें इसका जो मैकेनिज्म होता है स्टूडेंट्स, उसमें डीप्रोटोनेशन होती है ओके वाटर प्रोडक्ट के साथ, और जो फाइनल हमें क्या मिलता है ऑलिफिन प्रोडक्ट मिलता है एंड वी जनरेट द एसिड कैटलिस्ट। ओके सो नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म। We have to take this type of molecule R1, R2, R3. We have 3 alkyl groups. आप यहाँ पर different alkyl groups भी ले सकते हैं, same भी ले सकते हैं, doesn't matter. This is another alkyl group. This is hydrogen. This is OH group. एंड यहाँ पर क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगी, ये आपके पास एसिड कैटलिस्ट है, ये देखिए। यहाँ पर क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पर अटैक करेंगे, यहाँ पर OH की डीप्रोटोनेशन होगी ओके, और हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो ये सब सेम रहेंगे इसमें, एंड दिस इज ऑल्सो सेम एंड दिस इज हाइड्रोजन, एंड यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन लीव हो चुका है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, वाटर की रिमूवल हो जाएगी, हियर वाटर इज रिमूव एंड द प्रोडक्ट विल बी R1, R2, R3। अब क्या होगा, यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा एंड अब होगी 1-2 शिफ्टिंग, 1-2 शिफ्ट। ये जो कार्बो, अब देखिए ये कार्बोकेटायन सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, अब ये अपने आप स्टेबल कैसे करेगा, यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये इसको ये यहाँ पर माइग्रेट हो जाएगा और ये जो कार्बोकेटायन है ये कार्बन नंबर 2 पर जनरेट हो जाएगा, ये आपका कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 1 है। सो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, R2, R3, ये R1 यहाँ पर शिफ्ट हो गया है और R4, और ये हाइड्रोजन है आपका और कार्बोकेटाइन है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा ओके। अब ये दिस बॉन्ड विल मूव हेयर एंड द फाइनल प्रोडक्ट, जब ये प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा तो इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और ये जो वाटर है ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ से रिमूव हो जाएगा, आपका जो एसिड कैटलिस्ट है वो रीजनरेट हो जाता है इसमें, तो आपको अपना एसिड कैटलिस्ट मिल जाएगा और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो आपका इस तरह का होगा, ये इसका मैकेनिज्म है। सो स्टूडेंट्स ये मैकेनिज्म आप समझ में आ गया होगा आई थिंक। सो हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस और डिस्कस करते हैं, देखिए आप।
let's assume that we have this type of molecule. जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर SN1 टाइप तो प्रोसीड होगी नहीं, तो क्या होगा इसमें, यहाँ पर ये ब्रोमीन है जो ब्रोमाइड आयन यहाँ से लीव कर देगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो कुछ इस तरह की होगी। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो मिथाइल ये यहीं पे रहेगा, ये रहा। एंड आफ्टर दैट अब देखिए आप ये क्या है, आप सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, सो यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इसके पास टेंडेंसी है कि यहाँ पर माइग्रेट हो जाए और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर टर्शियरी कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा। सो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कटायन जनरेट हो जाएगा और ये जो मिथाइल है, अब आप क्या देखेंगे कि जो OH है आपका ये देखिए, ये जो आपका हाइड्रोजन है ये बॉन्ड है ये यहाँ पर मूव हो जाएगा और जो आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो कुछ इस तरह की होगी। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहाँ पर मूव हो गया है। ओके नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास कंप्लीटिंग द रिएक्शन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सो आपको इन क्वेश्चंस में एक बात ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर इसके ये सब रीअरेंजमेंट हो रहा है, इसकी स्टेबिलिटी कार्बन कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन अगर आपका जो रिएक्टेंट आपको मिला है उस रिएक्टेंट में ही अगर एक उसको स्टेबल करने वाला मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो फिर क्या करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास सेकंड रिएक्शन, हमारे पास इस टाइप का ही मॉलिक्यूल है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, फिनाइल अटैच है। अब यहाँ पर वैगनर मेरविन रिएक्शन अगर नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो यहाँ पर कार्बोकेटायन जनरेट होगा उसको ये फिनाइल रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर देगा। ये देखिए आप यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरह का होगा, ये ब्रोमीन एज अ ब्रोमाइड आयन यहाँ से लीव हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर ये जो फिनाइल है ये रेजोनेंस यहाँ पर ट्रांसफर होगा और ये यहाँ पर ट्रांसफर होगा और ये इसको स्टेबलाइज कर देगा यहीं पे। सो यहाँ पर जो कार्बोकेटायन जनरेट होगा वो एक स्टेबल कार्बोकेटायन जनरेट होगा। ओके और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। सो यहाँ पर SN1 टाइप आकर होगी, ना कि वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सो इस बात का स्टूडेंट्स आपने पक्का ध्यान रखना है कि आपका जो रिएक्टेंट है उसमें कोई ऐसा मॉलिक्यूल तो नहीं है जो कार्बोकेटायन को वहीं पर स्टेबल कर रहा है, तो वहाँ पर वैगनर मेरविन रिएक्शन आकर नहीं होगी। ओके सो आपके आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।